Okay, good morning and welcome back. Divyam, as usual, has a query every day, one query every day, and that is 11:30 AM. Kya koi class raat ko laga tha? The answer is yes. Shayad koi English class raat ko laga. जहां तक मुझे नॉलेज है, देयरफॉर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से क्लास तो नहीं लगा था, बट कोई इंग्लिश क्लास किसी वजह से शायद हो नहीं पाया था दोपहर को, एंड दैट वाज डन इन द नाइट. दिस इज व्हाट आई नो. बाकी हर डिटेल तो खैर मुझे भी नहीं पता. चलो एनीवे, वन मोर वीक गोस पास्ट. लिटिल चेंज इन, I mean, not great change really. A little change in the methodology, in the sense that from today, there will be some assignments also which will be uploaded. ठीक है ना? Or in the Google Classroom, I mean. And you are supposed to solve them and send the answers also with their work. So, it should not be only answer choice, it should be also work. So, that पता चल जाएगा कि हाँ क्या किया नहीं किया. That is one change and that will be kept track of. Who all are doing, not doing, etc., etc. ठीक है ना? So therefore, I hope ठीक है ना? Therefore, I hope that you will start participating. पहला टॉपिक जो फिजिक्स का है इस वीक का, नहीं नहीं सारे सब्जेक्ट्स के होंगे, बट आज शायद फिजिक्स से स्टार्ट होगा. That is on reflection of light. ठीक है ना? तो reflection of light पे है. Simple है, mirror, curved mirror, जो वो सब है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस है. I hope and you will get certain time. I think 3-4 din ka time milega. I hope you will be able to do it and submit it in a time frame. So us bahane practice bhi ho jayega thoda sa, hai na? So not bad. So it was discussed, I mean, and finalized. So same with 11th and 12th both. Dono mein implement hoga. So some assignments will be uploaded regularly. Usme time frame bhi hoga. और तुम लोगों को वर्किंग भी, सो लाइक मेन इश्यू समझो इज दैट वर्किंग अपलोड कर, ठीक है ना? विच मींस कि जैसे अभी टेस्ट के लिए करते हो ना, एग्जैक्टली उसी तरीके समझ लो कि टेस्ट ही एक तरीके, समझ लो एक सीपीटी और आ गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी इंटरप्रेट करना चाहते तो कर सकते, ठीक है? चलो अभी बात डिस्कसिंग अबाउट रेट लॉज. तो उस दिन हम लोग हाफ लाइफ तक पहुंचे थे, ठीक है ना? तो हाफ लाइफ के रिलेटेड हमने क्या डिस्कस किया था ना, व्हाट द टाइम टेकन टू कन्वर्ट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना? सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज व्हाट वी नो. ओह देयर आर मोर क्वेश्चंस, दैट इज जे गोयल्स इज ऑल सब्जेक्ट और ओनली फिजिक्स? ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना? मनन बस इंग्लिश का ना हो. अरे इंग्लिश भी आएगा भाई तुम्हारे सीबीएसई, थोड़े बहुत प्रैक्टिस रहना चाहिए. कुछ रिटर्न वर्क, कोई ऐसे वैसे लिख दिया कुछ, हार्डली 10 मिनट्स, है ना? थोड़ा सा वैरायटी भी हो जाता है, ठीक है? दिव्यम सेज कि अच्छा ये तो वही वाला मैसेज है. चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम मनन, जय गोयल, खुश, आर्यन, कार्तिक, शिवम, प्रत्यक्ष, रोहन, कितने क्वेश्चंस. दिस इज अ क्वेरी ऑफ कार्तिक एज वेल एज दिव्यम. धीरज गुड मॉर्निंग. वेल आई थिंक शायद पहला असाइनमेंट में क्या 30 क्वेश्चन से शायद ऐसे कुछ है ना, कई बार ना बनाने के बाद भूल जाते हैं. शिवम से नाउ दैट मेंस हैज स्टार्टेड अगेन, आर द पेपर्स इजियर और मोर डिफिकल्ट और द सेम एज द जनवरी वंस? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ शिवम. वेल जस्ट गिव मी सम टाइम बिफोर वी कैन कलेक्ट ऑल द डेटा, ठीक है ना? बिकॉज राइट नाउ द इन्फॉर्मेशन इज मेनली न्यूज पेपर बेस्ड, ठीक है ना? दिव्यम ने आस्क कि हमें वर्किंग फॉर्म्स पे ही अपलोड करना है या व्हाट्सएप पे भेजना? नहीं नहीं नहीं, सेम प्रोसेस अपलोड करके गूगल फॉर्म में जैसे करते हो क्लासरूम में वैसे, नो चेंज एज सच. अक्षित गुड मॉर्निंग. चलो लेट्स स्टार्ट. सो लाइक वी वर डिस्कसिंग दैट डे रेट लॉस. तो रेट लॉस में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है ना? तो let's continue from where we left. Then we discussed the concept of half life,
ना, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये होता है इसका ग्राफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस टी, ऐसे ठीक है. तो दिस क्लोजली रिप्रेजेंट्स अटेंडेंस आल्सो. सो इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ अटेंडेंस विद टाइम, आई थिंक इट विल बी ऑन सिमिलर लाइंस. दो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हाफ लाइफ इन इट, बट एटलीस्ट द ग्राफ इज सिमिलर. ठीक है ना, तो दैट्स हाउ जय गोयल हैज गिवन काउंट. आई मीन ठीक है ना. मनन सेज कुड यू प्लीज रेज द इश्यू ऑफ क्लास 11th मार्कशीट एंड क्लास 12th मिड टर्म टू टू रिविजर. वेल एक्चुअली दिस वॉज डिस्कस्ड एंड इट इज जस्ट दैट प्रॉब्लम ऑफ आई थिंक आई होप द एजेंडा इज गॉन नाउ. ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट फाइनली एंड दैट इज रेट ऑफ डीके. वैसे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स इस ग्राफ को मुझे याद है अभी भी, एक हमारे बड़े ह्यूमरस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो बड़ा खिंचाई करते थे बच्चों के इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ठीक है ना, तो वो लोग उन्होंने ग्राफ बनाए थे. वेल देयर आर मोर क्वेश्चंस कमिंग अप. चलो, तो लाइक उन्होंने ग्राफ बनाए थे, उन्होंने बोला देखो कॉलेज में जब पहली बार आते हैं स्टूडेंट्स तो अटेंडेंस वर्सेस टाइम उन्होंने बनाया था इंटरेस्टिंग वाला. उन्होंने बोला कि पहले कुछ दिन तो ऐसे होता है अटेंडेंस, है ना, और मान लो एन नॉट है तो एन नॉट ही होता, ठीक है, एंड दैट्स अराउंड वीक 10 days काइंड ऑफ. तो यू माइट बी वंडरिंग कि 10 दिन तक क्यों. तो बोला कि उसके बाद क्या होता है अटेंडेंस, ना उसके बाद अटेंडेंस ऐसे ड्रॉप. यू माइट से कि ये अटेंडेंस अपने तो ऐसे बनाया, इन्होंने स्टेप फंक्शन क्यों बनाया. तो उन्होंने बोला कि ये जो एक एक स्टेप है ना, द काउंट इज टू ईच, फिर यहाँ पे फिर टू माइनस हो जाता है, फिर यहाँ पे टू माइनस हो जाता है, फिर कभी फोर माइनस हो जाता है. सो दिस ड्रॉप इज ऑलवेज इन इवन नंबर्स. So I hope you have got the hint enough what he was trying to indicate, and I'm talking about more than 20 years back. So you can imagine at that time also, I mean, कुछ चीजें ना universal है. So don't think that anything that is happening right now with you all is something that has never happened or will never happen. They are all universal. उन्होंने उसको थोड़ा सा और practically put किए थे. तो उन्होंने बोला कि देखो शुरू में तो सब लोग आते हैं, फिर जैसे जैसे एक एक जोड़ी बनते जाते हैं फिर वो एबसेंट होने लगते हैं. तो कभी अगर किसी दिन दो जोड़ी बन गए तो चार के एबसेंट हो जाएंगे. ठीक है ना, सो दैट वाज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ अटेंडेंस वर्सेस टाइम. चलो लेट्स कम बैक. तो ध्रुव से इसकी लास्ट में क्या पूरा ही मास बंद, इतना होता नहीं है जनरली. क्या होता ना, इट स्टार्ट्स विद अराउंड मे बी लेट्स से अगर मेरा डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ था आई थिंक 63 था शायद, मुझे याद नहीं. हाँ, 63 हो, नहीं बाद में दो तीन फॉरेनर्स भी ज्वाइन किए थे, तो आई थिंक 65 के आसपास होगा. ठीक है ना, दो, एक तो शायद बांग्लादेश का था, दो आए थे पैलेस्टाइन से और जबरदस्त फुटबॉल खेलते. वो पैलेस्टाइन के जो दो थे ना, बाप रे बाप, उनको तो रोकना मुश्किल हो जाता था फुटबॉल पे. वेरी गुड एट फुटबॉल. चलो कह रही नहीं, आई एम जस्ट रिकॉलिंग. तो अराउंड 65 थे समझ लो, 65 ही थे. तो एंड तक मतलब सेमेस्टर एंड तक जो है ना अटेंडेंस लगभग समझ लो कि 30-35 हो जाता था. ठीक है, कीपिंग इन माइंड दैट पेयरिंग वाला ड्रॉप. चलो खैर, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद वी कैन स्टार्ट. एंड दैट इज दिस फ्रॉम अक्षित, एंड दैट इज 11th के कई चैप्टर्स ना बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था, तो उसका क्या करें. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली द सॉल्यूशन, बट आई कैन प्रोबेबली ओनली से दिस मच दैट उसका ना एक पैरेलल टाइम फ्रेम रखो, मतलब इन द सेंस उसका ना बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो, एकदम थ्योरी से लेके. फॉलो सम गुड बुक, मे बी एचसी वर्मा इज आल्सो गुड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न, एंड टू सप्लीमेंट इट मे बी बीएम शर्मा या डीसी पांडे इज आल्सो ओके. तो इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से एकदम पहले लाइन से पढ़ो एंड गिव इट अ टाइम फ्रेम ऑफ लेट्स अराउंड 2 months. जैसे अगर मान लो दो चैप्टर है तो एक एक महीने में डिवाइड कर लो, तो आई थिंक एक चैप्टर एक महीने, एक चैप्टर एक महीने. और दिस इज अ पैरेलल एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी इन द सेंस कि वो जो 11th का रिवीजन जो मैं कहता हूँ वो अलग चीज है,
और ये एक अलग एक्टिविटी होगी कि भाई दो चैप्टर मुझे आता ही नहीं है लगभग, या मान लो मैथ्स में एक चैप्टर मुझे आता ही नहीं, तो उसके एक टाइम स्लॉट बुक कर लो कि ठीक है आई विल टेक अराउंड वन मंथ और सो टू डू दैट चैप्टर, तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट लाइन से, कोई सा भी एससी वर्मा ले लो, डीसी पांडे, बीएम चंद्र, कोई भी ले लो, थियोरी स्टार्ट करो पढ़ना एंड देन स्लोली गो थ्रू, ठीक है ना, और उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखो, बल्कि देखने की भी जरूरत नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल खुद ट्राई करो फिर देखो, खुद ट्राई करो फिर देखो, तो एक फील डेवलप हो जाएगा। और देखो बुक्स में जनरली आजकल इतने ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मतलब अराउंड 30-40 कईयों में तो 70-80 सॉल्व एग्जाम्पल्स, आई थिंक बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ दैट 30 या 70 व्हाटएवर द नंबर इज, आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड फील ऑफ द चैप्टर एंड देन यू कैन अगेन नाउ कंसीडर एज अ रेगुलर चैप्टर जैसे बाकी। So maybe 1 month or 2 months of special efforts is what can be probably done. ठीक है ना? Jay says कि can we attend 11 classes? बेटे 11 classes attend कैसे कर सकते हो? तो same time पे ही होता है. Number one. Number two is that मेरे तो सारे recorded है. तो in case अगर मान लो time बचाना चाहते हो तो better है कि मान लो कोई topic तुमको लगा कि हाँ relevant है. In that case what you can easily do is that वो उसमें चले जाओ. YouTube में तो है ही है. और चैनल में भी है और उसको डबल स्पीड में प्ले कर दो। डबल स्पीड में प्ले करने से क्या होता है ना कि टाइम खराब नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज तो रेगुलर तो उतना जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव अ गुड बेस, आई मीन तो आई डोंट नो वेदर इट इज फुली रिक्वायर्ड। आई मीन लास्टली फ्रॉम डीसी पांडे का कौन सा अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जेक्टिव नहीं, एक काम करो थ्योरी के लिए ना इतना कोई इससे ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं, डीसी एचसी वर्मा का थ्योरी मोर देन सफिशिएंट। As far as competitive exams are concerned, SC Verma ka theory more than sufficient hai. Especially for a chapter which is, let's say, you have feeling ki mujhe aata hi nahi. Jaise Akshit ne language use kiya, ki wo mujhe bilkul nahi aata hai. So start from the basics, start from zero. So read from SC Verma, that's it. Ek baar wo kar lo, uske baad uske solved example wagara jo bhi hai, hai na, aur plus exercise. Uske baad to scale up, now you can do only questions from any BM Sharma le lo, BC Panda le lo, ya koi archive le lo, chale. Theek hai na? Chalo. This is about the graph of number of particles. Rate of decay is also called by another term, and that is called as activity. Activity is rate of decay. Or, जैसे हर quantity एक physical quantity है ध्यान रखना. It's not a phenomena. It's a quantity. So activity means rate of decay. So it's a quantity, physical quantity. तो जैसे हर physical quantity का unit होता है, वैसे इस I mean most of the physical quantity units होते हैं. ऐसे इस फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट है एंड दैट इज डीपीएस। डीपीएस मींस नॉट एमडीपीएस, डीपीएस। तो इट्स लाइक डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। तो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट इज इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड दैट इज बेकर, ठीक है ना। तो BQ is the SI unit and BECQUERL ये spelling है, ठीक है ना। तो becquerel is the this thing and one becquerel is obviously equal to one dps, that is one disintegration per second, ठीक है ना। That is the SI unit. लेकिन problem क्या है ना कि देखो ये जो सारे phenomena होता है ये सारे nuclear phenomena, so therefore the numbers will be in the range of that Avogadro ke saath kuch kyun, kyunki agar maan lo tum let's say 56 gram of iron lete, let's say iron is radioactive, suppose radioactive iron is, ya radioactive carbon le lo chalo C14, so that means if you take 14 gram of carbon that is equal to 6 into 10 to the power 23 particles, to agar usme se let's say agar lambda ka value agar 10 to the power 12 bhi hua, minus 12 bhi hua, तो भी अराउंड 10 टू द पावर 13 के रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड डीके हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? लैम्डा का वैल्यू अगर 10 टू द पावर -12 भी हुआ, -12 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो भी इन दैट केस 6 इनटू 10 टू द पावर 13 के आसपास, नहीं सॉरी 11, नॉट 13, 11, तो 11 के आसपास हो जाएगा तुम्हारा जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीकेइंग पर सेकंड। तो देयरफॉर जनरली ये जो यूनिट है तो ये तो चलो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, दैट्स फाइन, बट दिस इज लिटिल इनप्रैक्टिकल यूनिट। लाइक जैसे कूलम्ब इज टू लार्ज अ यूनिट, तो हम लोगों को प्रैक्टिकली मिली माइक्रो ये सब यूज करना पड़ता है, इसका उल्टा दिस इज टू स्मॉल अ यूनिट, सो वी नीड अ लिटिल लार्जर यूनिट, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने एक और यूनिट दिया, मतलब उन्हीं के नाम से रखा गया एंड दैट इज रदरफोर्ड। तो लाइक रदरफोर्ड व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डीपीएस,
which means 10 to the power 6 becquerel. Even this also is in most cases slightly small unit. ये भी छोटा यूनिट ही है, कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है. 10 to the power 6 is not a big number. I mean, खास करके when it comes to number of atoms and all, because all of them get to scale of Avogadro number, that is 10 to the power 23 order. So therefore, this number is also not a very large number. ठीक है ना? तो इसकी एक और यूनिट रखा गया है, and that is called as curie. That is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. ठीक है ना? So that means 1 curie will be equal to 3.7 into 10 to the power 4 Rutherford. That's the interrelationship. So like this is the SI unit, but that SI unit is hardly used. I mean, SI unit is hardly used means this is too small a number. So therefore, generally हम लोग क्यूरी वगैरह में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना? That's what the present number scales are, ठीक है ना? तो योगे इनके यूनिट्स, तो यू कैन नोट देम डाउन, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर एक वो बताना चाहूँगा, is that long back this happened, I mean it's almost like a story only, and that is ये काफी पहले हुआ था, काफी पहले मतलब मैं बताता हूं, ये दिस इंसिडेंट हैज टू पार्ट्स, वन इज 1930s एंड द अदर इज यू नो 1990 समवेयर आई थिंक 94-95 ऐसे कुछ हुआ. एक जापानीज टीम जो है एवरेस्ट के एक्सपीडिशन के लिए निकले, ठीक है ना? अब तो खैर एवरेस्ट का एक्सपीडिशन हैज बिकम वेरी वेरी क्या बोले मतलब थोड़ा सा पोल्यूटेड हो गया. But in the sense ki now things have become, I mean now the good technology, ye wo ke baad kya hota na, bahut zyada log matlab abhi dekha hoga recently aaya tha ki Everest ka ye pahad hai aur usme dekhna 200-300 log lined up hai, so wait kar rahe ki pehle wo chadhe to main jaunga, fir wo chadhe to main jaunga. Now the situation has become like that, but ek zamane mein aise nahi tha. Ek zamane mein matlab agar koi Everest expedition pe ja raha hai to uske piche pata chala 50 km tak koi nahi, aise hua karta tha. I'm talking about that. तो लाइक 1990s में एक जापानीज टीम ने अच्छा एक मिनट बिफोर द स्टोरी लेट मी गिव यू द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड इज दैट यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. नाउ वन ऑफ द यूजेस इज दैट रेट ऑफ डीके. कि अगर मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है ना, मेरे पास अगर एक सैंपल है और उसके सैंपल का अगर तुम अभी डीके मेजर करो तो कुछ एक अमाउंट आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा ना तो उसका रेट ऑफ डीके घटेगा और उसके घटने का रेट क्या होगा वो हमने पिछले बार देखा है ना. तो मैंने बताया था कि अगर n is equal to n naught into e to the power minus lambda t होता है तो रेट भी ऐसी होता है, रेट is equal to r naught into e to the power minus lambda t, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और रेट ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन इज लाइक फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ ग्राफ. सेम ग्राफ तो नहीं हो सकता क्योंकि नंबर अलग होगा, बट सेम काइंड ऑफ ग्राफ. इसको यूज करके हम बैक कैलकुलेशन करके सैंपल का एज निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ इट बिकेम यूजफुल. हमें तो ये जो जापानीज टीम एवरेस्ट के लिए वो करे थे तो उन्होंने कहीं पे एक जगह बेस कैंप बनाने के लिए खुदाई स्टार्ट. वो आइस के अंदर क्या करते हैं ना, वो है ना बड़े बड़े लोहे के रॉड्स डाल देते हैं. लोहे का तो नहीं होता खैर, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम हल्का होता है. और फिर उससे रस्सी बांध के टेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो स्नो टाइप का टेंट्स होता है, मतलब इन द सेंस की टेंट आइस के ऊपर ही होता है, तो फॉर नाइट टाइम एंड देन नेक्स्ट डे एक्सपेडिशन विल अगेन स्टार्ट. तो करते करते उनको उनका जो वो शोवेल था जो बना रहे थे मतलब हिट कर रहे थे, तो वो किसी यू नो ग्लासी काइंड ऑफ ए थिंग पे अटका. तो फॉर्चुनेटली वो ग्लास का ही था और वो टूटा नहीं, तो उन्होंने एक बॉटल निकाला, ठीक है ना, तो कुछ पानी वानी का ही बॉटल था या शायद कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक या जो भी ड्रिंक का बॉटल था. तो नाउ दे वर सरप्राइज्ड कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है ना. चलो तो What they did was that they didn't throw it, क्योंकि by rules क्या होता है कि जो भी expedition के लिए जाते हैं, जो भी चीजें मिलता है ना, they are supposed to bring it back. Now that is the rule. I mean, how many follow or not, I don't know, but this is the rule. So that the Everest remains clean. क्योंकि कई बार होता है ना कि unclean के चक्कर में weather and all. So they took this sample. After that, they did the expedition. Everything happened. So they went back to their country, took the sample, and then they did carbon dating on that. Carbon dating के बाद उनको ये पता चला कि ये सैंपल
1930 कुछ का था, 34 लेट्स, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया, दैट इज डूएबल कैलकुलेशन। अब देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब उनको ये खाने पीने का सैंपल मिला तो उनको ये तो अंदाजा लग गया कि हो सकता है कि यही ये जो रीजन है यहाँ पे कोई क्योंकि देखो उस समय एक्सपीडिशन इतना सेफ नहीं होता था, खैर अनसेफ तो अभी भी है, तो कई लोग कई टीम्स पूरे पूरे साफ हो गए, जैसे 5 लोग गए तो कभी वापस ही नहीं आए। वो क्या हुआ कि वो कोई ब्लिजर्ड आ गया होगा और जबरदस्त तूफानी में उनका वो सब खत्म हो गया होगा, सारे बर्फ के अंदर यू नो वो हो गया होंगे, मतलब खत्म हो गया। तो दे गेस, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डिड नॉट हैव द वेरविथॉल कि वो पूरा सर्च करें, तो उसके लिए खुदाई उदाई ये सब बहुत कुछ करना पड़ता है, बट दे डिड कीप अ ट्रैक कि वो एरिया कौन सा था, सो लाइक अच्छे से कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब करते अच्छे से करके, देन दे केम बैक टू द कंट्री, वेंट बैक टू द कंट्री, एनालाइज द सैंपल कि वो 1930 Whatever, मुझे एग्जैक्ट याद तो साल याद नहीं, बट लेट्स से 1934 का, तो 1934 का रजिस्टर निकाल जो कि नेपाल में काठमांडू में, सो दे लाइक कीप अ रजिस्टर ऑफ हु ऑल आर गोइंग फॉर द एक्सपीडिशन, सारे कंट्री नाम वर्क सब कुछ रजिस्टर होता है, एंड दे चार्ज मनी फॉर दैट आल्सो, नॉट फॉर द रजिस्ट्रेशन, आई मीन फॉर एक्सपीडिशन टू एवरेस्ट, सो दैट्स वन ऑफ दिस इनकम सोर्स। तो उन्होंने वो रजिस्टर निकाला और देखा कि उस साल में कौन कौन से जो है कंट्री के एक्सपीडिशन में एक्सीडेंट्स हुए थे या लोग गायब हो गए थे या जो भी, तो उनको पता चला डेनमार्क का जो है एक एक्सपीडिशन टीम 4-5 लोगों का वो पूरा पूरा गायब हो गया। नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट द बॉटल डिड नॉट हैव एनी साइनेज कि ये कंट्री का वो कंट्री का, नहीं तो फिर वो कंट्री से ट्रेस हो जाता, वो भी नहीं था। सो दे डिड व्हाट, ने इन्फॉर्म डेनमार्क कि भाई देखो इस कोऑर्डिनेट्स पे कुछ खाने पीने का सामान मिला है, तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मे बी यू कैन सर्च कहां 1930s का एक्सीडेंट और 1990s लेट 90s की बात कर रहा हूँ। तो देन डेनमार्क टीम केम विद ऑल प्रॉपर गियर एंड ऑल, पूरा हेलीकॉप्टर सब कुछ करके वो लोग टीम उतारे और पूरे एरिया में एक्सपीडिशन वो करा, खुदाई उदाई करा, एंड दे मैनेज टू रिट्रीव ऑल द बॉडीज, आई थिंक कुछ 5-6 बॉडीज थे, तो उसी जगह पे थे, मतलब उसी जगह पे आसपास ही थे, आई मीन एक्चुअली सम एक्सीडेंट माइट हैव हैपेंड, पूरा वो ब्लिजर्ड होता है, पूरा स्नो का आइस का पूरा आ जाता है, मतलब and they bury everything and in that locality ye hota rehta accident to wahi hua hoga, so they took all those 5 bodies to Denmark and gave a very hota na state kind of, jaise hota na hum yahan pe jaise gun salute wagera hota na respect, to aise state pura respect deke pura acche se unhone wo kiya. Now see, everything was possible because of that carbon dating. Now you might say kyun carbon dating ke bagair kyun nahi ho sakta, na dekho ek cheez batao, I mean, suppose accident हुआ है वहां पे dead bodies हो सकते हो, ये possibility तो है, लेकिन कौन जाएगा वहां? Now, किसी country के भी हो सकता है, सारे countries के लगभग उसमें accidents हो रखे, तो therefore pinpointing the country was important, तो कि भाई वही लोग भेजे, अब सारे दुनिया के countries जाके वहां पे वो तो नहीं करेंगे कि चलो हम भी ढूंढते हैं पता नहीं किसका निकल आएगा, तो इसलिए टफ हमें, so that carbon dating was the crucial one which led to the entire thing happening. So just giving an example of how radioactivity can be sometimes useful. Okay, na? Chalo, let me give you a very interesting practical usage of it. ये question JE Advanced में ही आया था, और कभी कभी JE Advanced के questions बहुत अच्छे होते हैं. It's a very simple question, कोई ज्यादा complicated नहीं. लेकिन question के theme से देखना तुमको भी अच्छा लगेगा. I'm sure about that. ठीक है ना? So let me give you the question. The question is like this. That let us say, there is something called as radioactive cobalt, usko generally cobalt blue bola jata. Now cobalt blue is used to detect tumors and all, even early stage of cancer also, even in the human body also. To wo kya karte hain, usko inject kar dete hain, and somehow cobalt has this property to get attached to tumorous and cancerous region. Theek hai na? Ab wo jo bhi hai property hai, I don't know why, तो बायोलॉजिकल चीज होगा कुछ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. तो व्हाट इज डन इज दैट कोबाल्ट ब्लू इज इंजेक्टेड एज अ सॉल्यूशन, इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एंड इज अलाउड टू स्प्रेड, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो स्प्रेड हो जाएगा. कुछ दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, ज्यादा कुछ घंटे बाद, पूरे बॉडी को स्कैन कराया जाता है और फिर देखा जाता है कि कहीं कोबाल्ट इकट्ठे तो नहीं हो रहा है बॉडी में. अगर इकट्ठे हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ चांस ऑफ कैंसर और ट्यूमर इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है ना? नाउ it's not a confirmatory finalizing kind of a tool, I mean,
बट यस इट एटलीस्ट इनिशियली पॉइंट्स कि यहाँ 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 चांसेस है. तो मे बी लेट्स से कोबाल्ट इज गेटिंग कंसीडर्ड इन फोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सम फोर पॉइंट्स इन द बॉडी. तो फिर क्या होता है उन फोर पॉइंट्स पे फिर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. नाउ दैट इज द यूटिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एज सच. बट मैं कुछ और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा सुनो. सपोज आई से दैट आई हैव इंजेक्टेड 1 cm³ ऑफ कोबाल्ट ब्लू सॉल्यूशन इन सम एनिमल और मे बी ह्यूमन बॉडी, जो भी है एनिमल ही ले लो चलो. This cobalt blue has a T half of suppose 4 hours. 4 घंटे का उसका half life है, ठीक है ना? So after 24 hours, three centimeter cube of blood is taken out. 3 ml of blood is taken out, ठीक है? और उसमें जो एक्टिविटी था, ठीक है, इनिशियली जो एक्टिविटी था इस 1 cm³ ऑफ कोबाल्ट का जो एक्टिविटी था दैट वाज 4096 GPS. डिपेंड्स विल देखा रहे एंड आफ्टर 24 आवर्स 3 cm³ ऑफ ब्लड वाज टेकन आउट एंड द एक्टिविटी वाज फाउंड आउट टू बी 1/1/28 GPS. नाउ दैट वाज व्हाट वाज फाउंड आउट, ठीक है ना? अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैंने एक गलती किया ही आजा, दैट्स राइट. वो क्यूरी का जो स्पेलिंग है ना वो CU नहीं है, CI है, ठीक है ना? हाँ आई थिंक मनन हैज पॉइंटेड आउट, ठीक है ना? यू आर राइट, क्यूरी है बट CI, वो क्यूरी का RIE वाला जो आई है वो है. मैंने गलती से CU लिखा था, दैट्स राइट. वो CU तो कॉपर के लिए हो गया, ठीक है ना? चलो एनीवे, so after 24 hours 3 cm cube of blood the activity was found out to be 1/128 GPS. question is find the volume of blood, theek hai na? ab dekho kitna acha sa example hai ki suppose agar mujhe kisi animal mein human being mein ya kisi mein bhi anemia ya lack of blood hone ka wo hai detection karna, to kaise pata chale? ab ek tarika to ye hai ki uske sara blood nikalo, एक मेजरिंग सिलेंडर में डालो पहले, देखो कितना ब्लड है और फिर अपना वापस कर देना. इफ दैट इज प्रैक्टिकली फिजिबल, तो खैर वो तो पॉसिबल नहीं है. तो कहने का मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालना इज अ चैलेंज, बट दिस इज अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाय दिस मेथड. अपार्ट फ्रॉम डिटेक्टिंग कैंसर एंड ट्यूमर दिस इज ऑल्सो अ गुड वे, ठीक है ना? तो फाइन, 24 आवर्स में 3 cm³ क्यूब ब्लड लिया और उसका एक्टिविटी दिखा रहा है 1/128 GPS, ठीक है? यू टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, दैट्स द क्वेश्चन. गो अहेड. एक्चुअली रेडियोएक्टिविटी हैज अदर यूजेस आल्सो, जैसे irradiated food is also nowadays being used. What is done is that food is irradiated with beta particles or maybe even gamma rays also. usse kya hota hai na uske jo sara bacteria virus and all everything is killed aur uske baad nitrogen pure nitrogen mein us food ko packets bana ke store kiya jata hai kyunki nitrogen isliye so that bacteria can regrow also, theek hai na? to bhi chance na ho. प्योर नाइट्रोजन में दे कैन नॉट ड्रिंक, तो देयरफॉर फूड प्रिजर्वेशन में भी इवन रेडियोएक्टिविटी इज बीइंग यूज्ड. प्लस कैंसर के इलाज में तो यूज होता ही है, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं. एक तो वो केमोथेरेपी है, दैट इज वन, ठीक है ना? केमोथेरेपी से बेटर है रेडियोथेरेपी इफ इट इज डिटेक्टेड वेल. उसमें भी यही करते हैं, गामा या बीटा पार्टिकल्स को क्या करते हैं एक जगह फोकस करते हैं जहां पे वो ट्यूमर या कैंसर का सेल्स है. तो देखो ट्यूमर या कैंसर का ना कोई इलाज नहीं, बस ये कि उस पार्ट को खत्म करना, दैट्स द ओनली इलाज, ठीक है ना? तो वहां पे फोकस करो तो उस एरिया पे जो सेल्स है वो सारे मर जाते हैं. बट देन प्रॉब्लम क्या है कि उसको फोकस नहीं कर सकते, फोकस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर रह जाए ना ट्यूमर या कैंसर सेल्स तो दे विल रीग्रो आफ्टर सम टाइम. इसलिए देखो कैंसर का प्रॉब्लम क्या होता है, रिलैप्स बहुत होता है. क्यों?
पता चला 100% ठीक नहीं हुआ, कुछ पार्ट मतलब 0.001% भी रह गया ना, तो वो दोबारा रिलैप्स करेगा। कई बार तो कुछ मंथ्स के अंदर रिलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज, आई मीन पार्टली बॉडी इम्यूनिटी ऑल्सो। तो इसलिए जो कैंसर का एरिया है उससे हल्का सा ज्यादा एरिया को हमें मारना पड़ता है। अब यहीं पे स्टेज का प्रॉब्लम आ जाता है। मान लो कैंसर ये इतना सा है, तो फिर उससे थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा सेल्स को मार देता हूँ और फिर उसको लाइपोसेक्शन से बाहर निकाल के फेंक देता हूँ, तो देन द बॉडी सर्वाइव्स। अब अगर मान लो मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गन ही अगर मान लो कैंसरस है, तो जब उसके ऊपर और ज्यादा लेयर को तुम निकालते हो, पता चला वो ऑर्गन का फंक्शन ही ऑलमोस्ट एबनॉर्मल हो गया या बिलो दी बिलो पार हो गया, तो तब क्या होता है फिर, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर परसेंटाइज। सम आंसर इज कम अप एंड दैट इज ध्रुव ने आंसर दे दिया 2, 4, 5, 7, 6 ml, ठीक है। तो लाइक आंसर दैट इज गिवन बीन गिवन इज 2, 4, 5, 7, 6 ml, 2, 4, 5, 7, 6 ml, ओके। और लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 cm³ का 4096 dps है, और यहाँ पे 3 cm³ का क्यूब का 1/120 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके मतलब कि 1 cm³ का क्यूब का एक्टिविटी क्या होगा, 1/128, तो 1 cm³ का क्या हो जाएगा, 1/3 × 120। बाय द वे 4096 इनिशियल है, और कितने हाफ लाइफ हो गए, 24 आवर्स और 4 आवर्स, तो लाइक 6 हाफ लाइफ हो गए। यानी अगर मान लो सिर्फ कोबाल्ट ब्लू सॉल्यूशन अगर मैं एक जगह रख भी देता हूँ, वैसे तो बॉडी में फैल चुका है, पर एक जगह रख देते हैं, तो किस का डीपीएस होता है ना, 4096 × ½ to the power 6, क्योंकि टी हाफ 4 आवर्स, 24 मतलब 6 हाफ लाइफ, तो हाफ टू द पावर 6 होगा। लेकिन वॉल्यूम वी से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि लेट अस से वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इक्वल टू वी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा तो सारा सेंटीमीटर क्यूब का हिसाब। तो लेट अस से वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इक्वल टू वी सेंटीमीटर क्यूब, मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो आई हैव टेकन इन सेंटीमीटर क्यूब, इन दैट केस द रेट ऑफ डीके शुड बी हाउ मच, 4096 × ½ to the power 6 upon b, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/3 × 120। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 4096 × ½ to the power 6 into 3 into 128. Now 128 is actually 2 to the power 7. So 1 2 वहां से आ जाएगा और एक this thing then equal to 6 into 4096 centimeter. ठीक है ना? I think that's right. ठीक है। ठीक है 24.576 liters। अभी कोई ह्यूमन बींग का तो हो नहीं सकता, ह्यूमन बींग का तो आई थिंक 5 liter, एडल्ट ह्यूमन बींग का आई थिंक 5-5.5 liter होता है, आई थिंक 5.5 liters ऑफ ब्लड होता है ह्यूमन बींग की बात कर। और जो है ठीक है ना, 24.6 liters की बात होता है कि मतलब बात हो रहा था, यानी एलिफेंट वेलिफेंट और तो कुछ चांस दिख नहीं रहा है मुझे, इट कैन बी ओनली एलिफेंट और सम सच एनिमल, ठीक है ना। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन दिस पर्टिकुलर एनिमल, दैट्स द कंक्लूजन, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा, एंड दैट इज दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा का इंटरप्रिटेशन क्या है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। सपोज मैं कहता हूं कि एक पर्टिकुलर सैंपल का हाफ लाइफ है सपोज इक्वल टू 10 to the power 8 seconds, suppose it is equal to 10 to the power 8 seconds. It can be anything. I'm just giving an example. Okay. Question is, what is the probability? Find the probability that
अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द नेक्स्ट 2 seconds या इन द फर्स्ट 2 seconds. ठीक है ना? तो चलो एक काम करो, टी हाफ रहने दो, मतलब टी हाफ से लैम्डा निकल जाएगा, मे बी कैन गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आल्सो. तो लैम्डा क्या हो जाएगा ना, है ना, यू नो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ, इट्स अप टू यू. तो देयरफॉर लैम्डा, तो कहने का मतलब है कि लैम्डा के टर्म्स में भी आंसर हो सकता है, बल्कि अभी फिलहाल तो लैम्डा के टर्म्स में ही आंसर दे दो. अब तुम लोग टाइपिंग में लैम्डा तो लिख नहीं पाओगे, तो एल मतलब लैम्डा समझ जाओ. ठीक है, इफ यू राइट एल इट विल बी लैम्डा. तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द फर्स्ट 2 seconds? ये क्वेश्चन है, लैम्डा के टर्म्स में आंसर देना. ठीक है, जल्दी करो. बाय द वे आई होप यू आर अवेयर ऑफ, खैर इतना प्रोबेबिलिटी तो सबको आता है, क्लास 9th में भी. So what you do is that give the answer in terms of lambda. That's the best. Yeah, t half. That's the margin. लैम्डा के टर्म्स में आंसर तो जल्दी आना चाहिए, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली देखो, लैम्डा को थोड़ा सा पहले इंटरप्रेट करो, तो यानी मैं अभी लिखने वाला हूं, एंड दैट इज न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा. न्यू क्या, न्यू इज नॉट ए गुड वर्ड, अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ लैम्डा. एक तो लैम्डा वो डीके कांस्टेंट है, कि dn dt प्रोपोर्शनल टू n, तो लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट. चलो ठीक, ओके. अब मैं ये कह रहा हूं कि लैम्डा इज अनदर इंटरप्रिटेशन आल्सो, तो अंडरस्टैंड करो. इफ आई आस्क ए क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल disintegrating in the next 1 second. अगले ही सेकेंड में एक पार्टिकल का, कोई भी एक पार्टिकल, रैंडमली सिलेक्टेड पार्टिकल का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले सेकेंड में डिसइंटीग्रेट करे? तो दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है ना? तो इसके लिए पता क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, number of particles disintegrating in the next second. क्या होगा? Lambda n, and total particles क्या है? n. बस, therefore probability is what? Lambda n by n is equal to lambda. Yani, lambda ka ek naya interpretation aur aage. And that is what? The lambda is what? The lambda is the probability of a particle disintegrating in the next 1 second. Yani, yahi lambda hai. Jo maine question pucha hai na,
यही लैम्डा तो मैं फिर से फ्रेशली लिख रहा हूं एंड दैट इज लैम्डा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेटिंग इन द वैसे मैं एक लेग पुलिंग अंदाज से कह सकता हूं कि अगर पूछोगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल डिसइंटीग्रेट इन द नेक्स्ट वन सेकंड तो मैं इसको हाफ भी तो कह सकता हूं, हाफ भी तो कह सकता हूं, क्यों? दो ही तो इवेंट्स है, एक इवेंट है डिसइंटीग्रेट करेगा, दूसरा डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा, तो दो इवेंट है उनमें से एक का पूछ रहा हूं मैं, तो हाफ हो गया. कैन आई इंटरप्रेट लाइक दैट? हाफ चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि देखो ऐसे अगर देखा जाए तो मान लो यहां पे एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, मेरे घर में यहां पे एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्यूबलाइट फॉलिंग, तो क्या बोलेगा? हाफ, कि देयर आर ओनली टू इवेंट्स, या तो गिरेगा या तो नहीं गिरेगा. और क्या पूछ रहा हूँ? गिरने का प्रोबेबिलिटी, तो गिरने का प्रोबेबिलिटी एक, मतलब इवेंट वन, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया, गिरेगा या तो नहीं गिरेगा तो टू, तो हाफ हो गया. ऐसे तो दुनिया में हर प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना? ऐसे नहीं होता. प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड ओनली फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स. ये जो ट्यूबलाइट का गिरने का जो लाइकलीहुड है दैट इज वेरी लेस, तो देयरफॉर हाफ नहीं होगा, इट इज वेरी लेस, 10 टू द पावर सम माइनस कुछ 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 होगा. और देखो मेरे लाइफ में तो अभी कभी तो आज तक ट्यूबलाइट गिरते हुए नहीं देखा, बट हाँ कुछ लोगों ने बोला है कि हाँ देखा है ना, सो लाइक आई एम बैंकिंग ऑन दैट, बट द पॉइंट इज दैट हाँ हो सकता है, ठीक है, तो दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी ऐसे मत सोचो कि हाफ हो गया. क्यों? क्योंकि या तो डिसइंटीग्रेट करेगा या तो नहीं करेगा, तो हाफ हो गया, नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर हर रेडियोएक्टिव पार्टिकल का हाफ ही हो गया, बट ऐसे कैसे हो सकता है? कई तो ऐसे रेडियोएक्टिव पार्टिकल है जिनके हाफ लाइफ इज लाइक इन सेंचुरीज, 1000 साल 2000 साल, ऐसे भी है. और कई ऐसे हाफ लाइफ है जिसके हाफ लाइफ मिली सेकेंड में. अब जिसका हाफ लाइफ मिली सेकेंड में है उसको तो एक सेकेंड में लगभग डिसइंटीग्रेट करना ही करना, सोच के देखो जरा, है या नहीं? इसलिए जो है उसका तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगा, वन टचिंग हो जाएगा. जिसका हाफ लाइफ मान लो मिली सेकेंड में, उसका प्रोबेबिलिटी इन डिसइंटीग्रेट नेक्स्ट वन सेकेंड वो तो ऑलमोस्ट वन है. और जिसका मान लो सेंचुरीज का हाफ लाइफ है, उसके तो अगले सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेट इज वेरी 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 लेस. तो देयरफॉर इट इज ऑन लैम्डा. तो लैम्डा अगर हाई होगा, लैम्डा अगर हाई होगा तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. तो देयरफॉर नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द फर्स्ट टू सेकेंड्स, है ना? तो देखो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पहले ही सेकेंड में डिसइंटीग्रेट कर दें, है ना? तो क्या होगा वो? ना प्रोबेबिलिटी ना लैम्डा, ठीक है, पहले सेकेंड में. या तो पहले सेकेंड में डिसइंटीग्रेट ना करे और फिर अगले सेकेंड में डिसइंटीग्रेट करे, दैट इज टू देयर, तो प्लस लैम्डा इनटू वन माइनस लैम्डा, ठीक है ना? दैट इज द केस. तो ये हो जाएगा लैम्डा टू लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टू लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. हाँ, एक और क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, एंड दैट इज 2 सेकेंड बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल, और पहले का तो एन नॉट है, तो माइनस करो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट आ गया 2 सेकेंड का, और अपॉन एन नॉट कर लो, दैट इज देयर. बट डू यू नो दैट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड मेथड, क्योंकि तो भी बहुत लंबा कहानी हो जाएगा. तो देयरफॉर वन मेथड, और अदर एग्जैक्ट मेथड पता क्या है? एग्जैक्ट मेथड है एन नॉट माइनस एन नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस टू लैम्डा, लैम्डा टी टू लैम्डा, है ना, बाय एन नॉट. So that is equal to 1 minus e to the power minus 2 lambda. Actually, it's a very cumbersome calculation. It's a very cumbersome calculation, or bina log table vagara ya is type ke kuch help se ye wala calculation ho nahi payega. Jabki ye dekho bada simple hai. Theek hai na? That's all. Theek hai? Dhruv Adas ke kuch integers ke series ka sum half aa jata hai. उससे प्रोबेबिलिटी से एक्सप्लेन करा था.
एक्चुअली मैं अच्छे से समझ नहीं पाया. Maybe you can elaborate on this. जय गोयल से इसकी हाँ मैंने गलत दिया है. चलो कोई नहीं, वो तो मैं समझ गया था. सत्यम ने वही वाला दिया शायद, मुझे लग रहा है जो मैंने अभी लास्ट में दिया. ठीक है ना. ओके आर्यन साहू ने फिर बाद में वो पूरा एलन वेलन को लेके किया, वो मुझे लग ही रहा था. नंबर ऑफ, जय ने पूछा कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एन ई टू द पावर दिस थिंग इनटू लैम्डा नहीं होगा. हाँ मतलब लैम्डा तो होगा. ओ सॉरी, हाँ मतलब लैम्डा लिखना ही नहीं, नहीं इसमें तो लैम्डा नहीं चाहिए. तो सही है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है ना, तो इसमें लैम्डा वैम्डा नहीं चाहिए. वो लैम्डा यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला अलग चीज है. ये हो गया लैम्डा इज द प्रोबेबिलिटी. अब मैं प्रोबेबिलिटी पे देख रहा हूँ, अब नंबर ऑफ पार्टिकल से मुझे कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना. सी इट्स लाइक कॉइन, आई मीन का हाफ प्रोबेबिलिटी होना. तो 5 कॉइन हो या 10 कॉइन हो, 1 कॉइन हो, प्रोबेबिलिटी हाफ ही होता है ना. इट्स लाइक दैट. तो देयरफॉर ये हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा और दैट्स इट है ना. अच्छा अगर मान लो मैं 3 सेकंड का पूछूंगा तो क्या हो जाएगा. यही क्वेश्चन अगर हो जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द फर्स्ट थ्री सेकेंड्स. फिर क्या हो जाएगा. नहीं, प्रोबेबिलिटी लैम्डा एल नॉट नहीं है. प्रोबेबिलिटी इज लैम्डा एन नॉट बाय एन नॉट या लैम्डा एन बाय एन. ये चीज तो प्रोबेबिलिटी में ये लैम्डा ही होगा, ये एन नॉट नहीं आएगा. ये अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन है. ये है कि भाई 2 सेकंड के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटेड आ गए. तो इनिशियल माइनस 2 सेकंड का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटेड अपॉन इनिशियल, तो वो प्रोबेबिलिटी हो गया. तो करके कैंसिल करके यार. लेकिन चक्कर ये ना, इसको कैलकुलेशन करना मुश्किल है, और जबकि इसको कैलकुलेशन करना आसान है, इसलिए मैं इस तरफ जा रहा हूं. ठीक है ना. अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, व्हाट इज द दिस थिंग इन फर्स्ट 3 सेकंड्स. आई थिंक अब तो हो ही जाएगा. ओके आर्यन ने आंसर दे दिया. ध्रुव ने बोला है कि वो 1 माइनस लैम्डा कैसे आ गया, फिर से बता दो. ना देखो, अगर तुमको दूसरे सेकंड में डिसइंटीग्रेट कराना है तो तुम लैम्डा नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि दूसरे सेकंड के डिसइंटीग्रेशन कराने का मतलब हुआ कि पहले सेकंड में डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ. तो जैसे लैम्डा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, तो 1 माइनस लैम्डा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिसइंटीग्रेट. तो अगर तुमको दूसरे सेकंड में डिसइंटीग्रेट कराना है ना. लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन आल्सो, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो हो गया फर्स्ट 3 सेकंड्स, बी है सेकंड सेकंड, सी है थर्ड सेकंड. पहले ये सेकंड और थर्ड वाला कर लेता हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द सेकंड सेकंड. तो इसके लिए तुमको पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कहीं पहले सेकंड में डिसइंटीग्रेट तो नहीं कर गया. तो इसलिए पहले सेकंड में डिसइंटीग्रेट ना कराना है, तो इसके लिए 1 माइनस लैम्डा. फिर सेकंड सेकंड में डिसइंटीग्रेट कराना है, दैट्स लैम्डा. और थर्ड सेकंड वाले में क्या होगा, मैं पहले 2 सेकंड में डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहिए, यानी क्या होगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू थर्ड सेकंड में डिसइंटीग्रेट करना है, दैट्स लैम्डा. और अगर मान लो 3 सेकंड के पीरियड में कभी भी डिसइंटीग्रेट करे वो चलेगा. In that case, क्या होगा, इसको समेशन करेंगे. मतलब क्या हो गया, अब ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, ये वाले का पहला सेकंड में तो प्रोबेबिलिटी इज दिस. पहला सेकंड में डिसाइड करने का प्रोबेबिलिटी लैम्डा. अगर पहले सेकंड में ना करके दूसरे सेकंड में कराना तो क्या होगा, प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा. फिर अगर तुमको तीसरे सेकंड में डिसाइड करना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, दैट इज द नेट प्रोबेबिलिटी. That is the net probability. ठीक है ना. अच्छा WhatsApp पे कुछ भेजा हुआ है, पर 9555 में भेजना. अच्छा भेजा हुआ है.
नहीं 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 ये प्रॉबिलिटी नहीं चलेगा. अब सुनो, अब मैं समझ गया. व्हाट यू आर गिविंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग. सी व्हाट जय हैज गिवन एन आंसर इज दैट ये क्यों नहीं आंसर होगा करके उन्होंने आंसर दिया है एन ई टू द पावर माइनस लैम्डा को पहली बार तो तुमने उसको प्लस लैम्डा कर दिया शायद गलती से. चलो कोई नहीं, बाय एन ये क्यों नहीं है ना. तो ये आंसर पता है किस चीज का है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग. क्यों? इतने पार्टिकल्स रह गए आफ्टर वन सेकेंड, ठीक है ना. आफ्टर वन सेकेंड इतने पार्टिकल रह गए, एक्चुअली लैम्डा वन इंटू वन लैम्डा टी तो लैम्डा इंटू वन. तो आफ्टर वन सेकेंड इतने पार्टिकल्स रह गए और इतने इनिशियल थे एन नॉट इंटू दिस व्हाटएवर. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल हो गया. तो भी एन नॉट करके इट इज ओवर माइनस लैम्डा, ये चीज है ना. After time t, I mean, that's the thing. और rate of decay का मतलब क्या होता है? Rate of decay का मतलब होता है number of particles decaying in 1 second. वो lambda n naught है और upon n naught तो इतने probability है decay करने का कि उतने decay कर गए 1 second. तो इसलिए लैम्डा इज ऑल्सो द कार्तिक दास की. इसको फिर वन माइनस ई टू द माइनस के टी नहीं कर सकते. मैं तो बोल रहा हूं कर सकते, एंड दैट इज इनफैक्ट मोर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट. बट द प्रॉब्लम इज दैट, उसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, मुश्किल है. इसलिए शॉर्ट, इसी का शॉर्टर वर्जन क्या है कि दैट व्हाट आई सेड. और वैसे भी देखो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो अगर मान लो e टू द पावर कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो उसका एक्सपेंशन लिख लो और वन माइनस करके, है ना, एक्सपेंशन लिख के वन माइनस करके जो है ना वो वन वन कैंसिल हो जाएगा. और देखना फर्स्ट टर्म लेके जब कैलकुलेट करो देखना ये आए, और अगले का जो बाकी जो टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर दो. स्क्वायर वेयर टर्म टाइप के जो टर्म्स होता है उनको नेग्लेक्ट कर दो, दैट वुड बी ओके देन, है ना. See, I got your point. देखो मैं समझ गया. देखो actually पता क्या होता है, lambda is very small. उस basis पे हमने ये वाला probability जो लिखा नहीं है, is lambda is very very small. ये चीज समझ ना. तो वो जो बता रहे हो ना, see what people are saying is that, what people are arguing is, and that's a correct argument, is that कि अगर मैं initial number of particles देखता हूँ तो initial number of particles कितना हो गया, n naught. एंड आफ्टर वन सेकेंड क्या हुआ, एन नॉट इन टू टू द पावर माइनस लैम्डा वन मीन्स लैम्डा. तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड क्या है, एन नॉट माइनस एन नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड करके वन माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा. ये प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही बात. मेम्बरा नहीं कर रहा. अब एक काम करो, तो ई का एक्सपेंशन लिखो, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, और लिख के फिर कैलकुलेट कर लो अपना. तो देखना उसी तरीके से आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि अगर लैम्डा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है देन दैट के जो रेट ऑफ डीके है दैट इज लैम्डा इनटू एन. तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीके क्या हो जाएगा ना, लैम्डा इनटू एन है या नहीं, तो अपॉन एन तो लैम्डा आ गया. So the calculation is easier. और कोई बात, this is the exact answer. बिल्कुल सही बात, this is the exact answer. ठीक है, but this will also be okay. ये चीज हाँ जय यू आर राइट कि वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, मतलब rather instantaneous ही होता है lambda n, पर वो एक second के period में भी valid होगा नहीं होगा will depend on the value of lambda. तो इन जनरल तो लैम्डा बहुत ही छोटा सा होता है, तो देखो एक सेकेंड के अंदर जो वेरिएशन है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर. इस वाले में क्या हो रहा है, एक सेकेंड के अंदर भी तो एक वेरिएशन होता है ना, कि एक सेकेंड को अगर एक इंटरवल मानते हो तो एकदम सेकेंड के जो फर्स्ट इंस्टेंट है और जो लास्ट इंस्टेंट है उसमें हेरा फेरी होगा. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट एज आई सेड इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेट्स से इन एवोगाड्रो टर्म्स 10 to the power 23 एंड लेट्स से इफ लैम्डा इज सपोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 12, minus 13, minus 14 इस तरीके से अगर होता है तो
तो इन दैट केस इट वोंट मैटर मच, ठीक है ना. तो इन दैट केस वो स्टार्टिंग वाले इंस्टेंट और अगले वाले इंस्टेंट पे जो एक सेकंड का इंटरवल है दैट वुड बी ऑलमोस्ट द सेम. ऑन दैट बेसिस वी हैव डन दिस. सो लैम्डा को छोटा या स्मॉल वैल्यूज मानते हुए किया. टेक्निकली दिस इज द करेक्ट आंसर, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वही बात है कि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, एग्जाम में तो और भी नहीं कर पाओगे, है ना. चलो आई थिंक दैट मोर लेस सेटल्स द मैटर, है ना. हाँ तो फाइनली क्या है ना, फर्स्ट 3 सेकंड का क्या आ गया ना, इनका समेशन. तो इनको समेशन कर लो फिर, क्या आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब. देखो इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, है ना, प्लस लैम्डा. That's the problem. ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब, दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ जय गोयल इज रिटन अनदर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, दैट इज एन भी तो चेंज होगा. देखो एन कब चेंज होगा, एक सेकेंड में सब्सटेंशियल, है ना, जब लैम्डा का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है. अगर लैम्डा का वैल्यू बहुत हाई लो होगा तो एक सेकंड में क्या चेंज आएगा, कुछ भी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज. तो इसमें उस बेस पे सॉल्व करो, ऐसे नहीं है. आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस आल्सो अनदर इंटरप्रिटेशन, दिस आल्सो अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज लैम्डा, ठीक है, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी. यानी नेट नेट क्या रिजल्ट आ रहा है ना, लैम्डा इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल डिसइंटीग्रेट्स इन द नेक्स्ट 1 सेकंड. बट यस, इफ यू वांट एग्जैक्ट कैलकुलेशंस देन ऑफ कोर्स वी शुड गो टू द ई टू द वर्थिंग, बट वो ई टू द वर्थिंग एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल. तो अगर लैम्डा का वैल्यू अगर रीजनेबली स्मॉल है तो वी कैन स्टिक टू दैट जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया, ठीक है ना. तो दैट वॉज अबाउट अक्षित दास की. जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने टर्म्स मुझे नेग्लेक्ट करना चाहिए. सी द आंसर इज टू दैट इज दैट जनरली क्या होता है ना, सिंगल या मतलब फर्स्ट टू यही टर्म्स लेना होता है, और उसके बाद तो सारा वो सब एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव आ जाता है ना. तो जब लैम्डा का वैल्यू अगर मान लो 10^-12 है तो एक्स लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, 10^-24 लैम्डा क्यूब 10^-36. तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो लैम्डा के अलावा लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब लेने की जरूरत नहीं. तो वो तो लैम्डा का वैल्यू बहुत छोटा ले लो और अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है नहीं करना है, यू कैन गेट टू दैट. वैसे कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है. आई थिंक इट्स अ इजी जॉब, आई थिंक वेरी टेनियस, ठीक है ना. चलो, सो दैट वाज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी. ओके, इसके अलावा क्या होता है, देखो आई मीन दीज आर सिंपल क्वेश्चन, को जैसे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं है. जैसे मान लो सपोज आई से दैट देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, बट वो न्यूक्लियस है. तो मान लो कार्बन वही ले लो, ट्वेंटी एक्स टेन, ठीक है. सपोज इससे अल्फा पार्टिकल निकला है और मास डिफेक्ट दे रखा है डेल्टा एम इज इक्वल टू 10^-3 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है. एक अल्फा पार्टिकल निकल के गया तो जो बचा हुआ न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर रिकॉइल आ सकता है. ऐसे आएगा कोई जरूरी नहीं है, वो तो सिचुएशन के ऊपर है. अगर मान लो बल्क ऑफ मटेरियल है तब तो उससे निकल गया तो उससे नहीं पता चला, बट अगर आइसोलेटेड एटम और उसमें से अगर मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो देन द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैक्सिमम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है ना. तो इन द मीनवाइल लेट मी टेक द अटेंडेंस.
नहीं एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना एनर्जी में तो यही आता है, ठीक है ना। तो 10^-3 एटॉमिक मास है, तो 10^-3 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10^6 और इंटू वो जूल वाला, और फिर हाफ एमवी स्क्वायर का तो आ ही गया 40 MV², है ना। तो दैट्स हाउ, तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, जो भी आ रहा है देख लेना। तो 3 से 4.5 इंटू 10^7 कुछ इस रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज हाँ वो होगा, बट देन हमने ऐसे नहीं लिया, हमने जो है क्या बोलते हैं उसको दोनों तरफ एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में लिखा तो कैंसिल आउट होता, ठीक है। वो या तो वो पहले से हिसाब रखते तो बात एक ही थी, ठीक है ना। चलो 10^6 नहीं होगा, क्यों सर? वो आपने 10^-3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा हाँ, एक और 10^-3 भी होगा, नहीं किया तो है। अच्छा अच्छा यहाँ पे नहीं, ये 12 हो गए, है ना, 12 हो जाएगा, 10^-3 भी तो है, ठीक है, ये 10^12 हो जाएगा। तो आई थिंक तब तो अच्छा अच्छा हो गया, 1.5 इंटू 10^6 है ना, इस तरीके से कुछ है। चलो जो भी है, दैट दोस माइनर कैलकुलेशंस यू कैन डू, ठीक है, दैट्स राइट। मनन ने सही पॉइंट आउट किया, अक्षित ने भी सही पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स लीव इट देयर, that was the end of the discussion for today. Tomorrow we will continue. Tomorrow I think we will wind up this chapter and then of course, by the way, इस वक्त हफ्ते CPT है और syllabus as I have already told you, ray optics plus ray optics, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, thank you sir, have a good day, thank you sir, thank you and have a good day.